morning to every students. How are you all? Today we are going to learn chapter number 7 of your grammar book, the articles A, N, and the. So come to the page number 14. We are left for this exercise B. Here are three short stories. Write A, N, or the in the blanks. Then read them aloud. Right? यानी कि यहाँ पे आपको शॉर्ट स्टोरी दी है, तीन पिक्चर्स दी है और तीन टाइनी स्टोरीज दी है, राइट? आपको आर्टिकल्स ए, एन और द का यूज करके वो ब्लैंक्स जो है वो कंप्लीट करनी है. सो मैं रीड कर रही हूँ, आप इसमें ध्यान रखिए. फर्स्ट इज वंस देयर वाज डैश फार्मर. ही हैड dash large field. Late one evening he saw dash old wolf in one corner of dash field. Dash farmer was worried. What was he to do? तो यहाँ पे एक story दी है, right? So बिना articles के भी आपको ये पता चल जाएगा कि story में क्या बोला गया है, right? तो एक टाइम की बात है कि once there was dash farmer. तो एक फार्मर की बात है, किसान, right? तो एक किसान की बात है कि एक बार फार्मर था. तो फार्मर, so what is the use article a, n or the? तो फर्स्ट आप देखिए तो बात है f. Once there was dash farmer. तो हमने ये सीखा था तीनों, right? तो उसमें बताया गया था कि जब भी बात हो आर्टिकल ए और एन की, तो फर्स्ट टाइम जब हम बात करते हैं किसी पर्टिकुलर थिंग्स, उसके बारे में, प्लेसेस या फिर एनिमल्स, पर्सन्स के बारे में, तो ए और एन यूज होता है. उसमें भी एक और कंडीशन है कि वॉवेल्स आता है तो उसमें आता है ए आई ओ यू होता है वर्ड में, तो उसमें आगे लगता है एन. और अगर वो ना हो यानी कॉन्सोनेंट हो तो होता है ए. तो आप देखिए यहाँ पे एफ से स्टार्ट होता है वंस देयर वाज डैश फार्मर, तो एफ है, राइट? तो इसीलिए आएगा ए. वंस देयर वाज अ फार्मर. नेक्स्ट है ही हैड ब्लैंक लार्ज फील्ड. उसके पास बहुत ही बड़ा खेत, राइट, यानी कि फील्ड था. तो ही हैड ब्लैंक लार्ज फील्ड. तो फिर से देखिए यहाँ पहले एल, देयर इज अ नो वोवेल्स, राइट? सो वी आर पुटिंग ए. ही हैड अ लार्ज फील्ड. नेक्स्ट late one evening he saw dash old wolf in one corner of dash the field. तो एक बार उसने क्या देखा शाम को, he saw dash old wolf, एक बूढ़े wolf को यानी कि भेड़िया को देखा. कहाँ पे? corner of dash the field, खेतों में एक corner के पास एक भेड़िया को देखा. तो यहाँ पे बात है ओ, तो ये है वॉफ, राइट? तो हम लिखेंगे एन. ही शो एन ओल्ड वॉफ इन वन कॉर्नर ऑफ द फील्ड. तो द फील्ड, राइट? यस, मैंने ये आंसर लिख दिया है ऑलरेडी. सो आंसर आएगा द. पर यहाँ पे ब्लैंक में कुछ नहीं लिखा है, आपको कुछ आए कॉर्नर ऑफ डैश फील्ड. तो फिल में क्या आएगा? तो फिल इज अ प्लेस नेम, राइट? फिल एक प्लेस का नेम है. तो हम लिखेंगे आर्टिकल द, क्योंकि आर्टिकल द में ये कंडीशन थी, राइट, कि हम जब भी किसी थिंग के बारे में, पर्सन, प्लेसेस के बारे में बातें करते हैं तो उसके आगे लगता है आर्टिकल द. तो ये आंसर है कॉर्नर ऑफ द फिल. नेक्स्ट फार्मर वॉज वरीड. उसको चिंता हुई फार्मर को, किसान को, राइट? व्हाट वाज ही टू डू? अब वो क्या करेगा? सो यस, एक ही ब्लैंक बची है, राइट? तो यहाँ पे क्या आएगा? द. क्यों? क्योंकि एक और कंडीशन तो ये भी थी ना,
कि पर्टिकुलर कोई भी एक थिंग्स के बारे में रिपीटेड टाइम, तो उसी की बात दो या फिर तीन बार है, तो एक ही बात जब हम बार बार करते हैं तो उसके आगे भी आर्टिकल द लगता है, राइट। पहली बार किसी के बारे में बात करनी होती है तो उसमें ए या फिर एन जो भी वो आता है पर्टिकुलर मीनिंग, उसके हिसाब से आर्टिकल लिखने पड़ते हैं। पर उसी के बारे में बार बार बात की जाती है तो उसमें लगता है आर्टिकल द। व्हाट वाज ही टू डू, अब वो क्या करेगा, तो ये थी टाइनी या फिर बोलो तो स्मॉल स्टोरी। फिर से मैं बता देती हूँ। वंस देयर वाज अ फार्मर, ही हैड अ लार्ज फील्ड। दैट वन इवनिंग ही सॉ एन ओल्ड वॉल्फ इन वन कॉर्नर ऑफ द फील्ड। The farmer was worried. What was he to do? तो ये थी first, right? Farmer में F है, यानी कि वो consonant है, तो वो हुआ A. Then after large field, ये consonant भी है और इसमें ये पहली लाइन है। इसका मतलब ये हुआ कि इसके बारे में हम पहली बार ही बात कर रहे हैं, right? इसलिए लिखा है A. Then after दूसरी लाइन, he had dash large field. तो पहले बात थी फार्मर की, अब बात हो रही है फील्ड की यानी कि खेत की। तो ये है ए, यानी कि एल है, इसलिए आएगा फिर से ए आर्टिकल। Then after let one evening he saw dash old wolf. old में आता है ओ, इसलिए आर्टिकल एन, राइट। और यहाँ पे भी सेम आप देख लीजिए, इसके पहले की दो लाइन में वॉक का वो जो यूज है वो नहीं हुआ था, उसके बाद नहीं हुई थी, इसलिए ये भी कंडीशन हो गई। तो इसलिए कॉर्नर ऑफ द फील्ड, तो फील्ड यानी कि प्लेस की बात है, तो इसलिए आर्टिकल था। देन आफ्टर इसी की ही रिपीटेड बात है कि फार्मर वॉज वरी, राइट। फार्मर को एक बार इसका यूज हो गया, राइट। पर्सन भी है और एक बार इसका नेम ऑलरेडी आ चुका है, दैट्स व्हाई वी हैव टू डी द। सो नेक्स्ट स्टोरी, जील वाज डैश अ लिटिल गर्ल ऑफ 7। वन डे शी शो डैश टाइनी किटन इन डैश गार्डन आउटसाइड हर हाउस। डैश किटन वाज शिवरिंग। जील टू डैश किटन इनटू डैश हाउस, राइट। सो मैंने जैसा बताया वो कि आपको पढ़ के वैसे ही मालूम हो जाएगा कि स्टोरी में क्या कहना चाह रहे हैं, पर तभी भी हमें आर्टिकल्स लिखने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि विदाउट एनी ग्रामर्स, विदाउट एनी आर्टिकल्स ये अधूरा सा है, राइट। सो चील वॉश ग्रैंड लिटल गर्ल ऑफ 7। तो वो 7 कजिन्स होते, राइट, भाई और बहन। सो उसमें से चील जो है वो है छोटी सी, राइट, सबसे छोटी गर्ल है। सो यहाँ पे बात करें लिटल गर्ल, तो एल आता है और पहली बार ही इसकी बात हुई है, इसलिए आर्टिकल ए और लिटल गर्ल और 7। वन डे शी शो डैश टाइनी किटन इन डैश गार्डन आउटसाइड हर हाउस। तो एक बार उसने क्या देखा, टाइनी किटन, तो छोटा सा जो बिल्ली का बच्चा होता है वो कहाँ देखा, उसके घर के बाजू में जो गार्डन है वहां पे। शी शो डैश टाइनी किटन, तो ये भी फर्स्ट टाइम बात कर रहे हो और कंसोनेंट, दैट्स व्हाई ए। शी शो अ टाइनी किटन इन डैश गार्डन आउटसाइड हर हाउस, घर के बाहर, गार्डन के बाहर, वहां पे जिसका उसका घर था, राइट, तो वहां पे उसने ये देखा। तो गार्डन, तो गार्डन पर्टिकुलर एक प्लेस का नाम है। सो आर्टिकल द गार्डन आउटसाइड हर हाउस। डैश किटन वाज शिवरिंग। जिल टू डैश किटन इनटू डैश हाउस, राइट। तो अभी किटन है तो किटन, तो ये कंसोनेंट है और पहले ही उसने किटन की बात की थी, तो ये रिपीटेड भी हो गया, दैट्स व्हाई द आर्टिकल। चिल टू डैश किटन इनटू डैश हाउस, सो किटन की ही बात है
और यहाँ पे फिर से रेस्ट हाउस, तो दोनों का दोना जो है वो पहले ही आ चुका है। किचन की भी बात आ गई एक बार, घर की भी बात आ गई। सो ये भी कंडीशन है कि हम जब भी रिपीटेड टाइम में उसकी बात करते हैं रे कोई पर्टिकुलर प्लेस या फिर एनिमल्स के उसकी, तो आर्टिकल होता है यूज द। अब पढ़ो चलो। जीव वॉज अ लिटल गर्ल ऑफ सेवन। वन डे शी शो अ टाइनी किटन इन द गार्डन आउटसाइड हर हाउस। द किटन वॉज शिवरिंग। जीव टुक द किटन इन टू द हाउस। थर्ड वन स्टोरी। देयर इज डैश हाउस near my building. It belongs to dash officer who is retired. None of us likes to pass by dash house. If we see the officer in the garden, we feel very nervous. तो यहाँ पे स्टोरी आपको दी है जिसमें बताया गया है कि कुछ बच्चे जो है वो खेल रहे हैं, उसमें से जो एक है वो ऐसा कह रहा है या फिर कह रही है that मेरे घर के पास में एक बिल्डिंग है, तो वहाँ पे एक रिटायर्ड ऑफिसर रहते हैं, राइट। रिटायर्ड ऑफिसर तो वो शायद तो वो आर्मी में होंगे, राइट। रिटायर्ड ऑफिसर नन ऑफ अस लाइक्स टू पास बाय द हाउस, राइट। तो हमारे में से कोई भी ये नहीं चाहता कि वो हमारे बाजू में से निकले। इफ वी सी द ऑफिसर इन द गार्डन वी फील वेरी नर्वस। वो जब भी हमारे बाजू में से निकलते हैं, राइट, तो हमें ऐसा लगता है कि हम नर्वस हो गए हैं उसकी पर्सनैलिटी के सामने। तो हमें कुछ ऐसा फील होता है कि वो जब भी हमारे गार्डन में से वो पास होकर जाते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि हम डर जाते हैं, नर्वस हो जाते हैं, राइट। हमें कुछ ऐसा लगता है कि कुछ हम ऐसा करेंगे तो हमें वो डांटेंगे, तो इसलिए। So come to the story number, there is dash house. So यहाँ पे बात है there is dash house near my building. तो first time बात है, right? और first time बात है तो क्या होगा, A और N, पर यहाँ पे H, तो we are putting a. There is a house near my building. It belongs to dash officer and officer because of power. Who is retired? None of us likes to pass by dash house, right? So none of us likes to pass by house. तो एक बार house की बात हो गई कि नहीं? Yes. That's our putting article the. If we see the officer, right? So फिर से आया. Officer की बात पहले भी हो गई थी और एक person के name भी है, right? तो the. The garden we feel very nervous. So student, we have finished exercise B of this chapter, right? So ये chapter काफी आपको थोड़ा सा tough लगेगा, पर मैंने easy भी इसको बना दिया है। आप इस video को देखिए, right? Then after run कीजिए। अगर ज़रूरत पड़े तो आप अपनी notebook में पहले try out कीजिए, then after आप अपनी grammar book में लिखिए। Okay student, thank you. Have a nice day.